एक दिन मैंने न्यूट्रल से बात की मैंने कहा इसके ऊपर 16 अरब रुपए के एफआईए का केस है, 8 अरब रुपए का नैब में केस है इसके और इसके बेटों के ऊपर, और इतने ओपन एंड शट केस किसी के नहीं है, किसी के ऐसे केस नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे कि इतना ब्लैक एंड व्हाइट, यानी नवाज शरीफ का तो चले फिर भी उसने अपने नाम पे कुछ नहीं किया, बेटी के नाम पे फ्लैट लिए, इसका तो डायरेक्टली ये और इसके बेटे इंप्लिकेटेड है इसमें। और किसी और मुल्क में एक साल पहले इन तीनों ने जेल में होना था, यहां मैंने कहा ये कोई सोच सकता है कि 16 अरब के केसेस वो और 8 अरब के नैब में और ऐसे केसेस, यानी इतना, वो कहते हैं ना नकल में भी अकल चाहिए, इतने भोंडे तरीके से इन्होंने चोरी किया है कि उसमें बाची कोई नहीं सकता। अगर कोई आम आदमी होता ना, आप यकीन करें वो 2 हफ्ते में यहां इस मुल्क में जेल में डाल देना था उसको। लोग कहते हैं कि देखें ये इमरान साहब आपने क्यों कुछ नहीं, जब आपको पता था साजिश हो रही है क्यों नहीं कुछ किया। मैं यकीन करो, मैं ऑनेस्टली आपको एक बात आज बता रहा हूं, मैं तस्वर भी नहीं कर सकता कि कोई सुभाष शरीफ को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देगा।